Congratulations. आपको भी बहुत मुबारक. लाओ ये मैरिज सर्टिफिकेट लीजिए. मौसम बहुत अच्छा है, थोड़ी देर टहल के बातें करें. बहुत रात है और मुझे बहुत नींद आ रही है. तुम रुकना चाहो तो रुक सकते. इसे हम अपना बेडरूम बनाएंगे, क्या ख्याल है? जा सकते हैं? कब जा सकते हैं? कल चले, मैंने देखना है. नहीं देख सकते. क्यों? क्योंकि मैंने वो घर बेच दिया. क्या? मैं और जावेद कोर्ट मैरिज कर चुके हैं. खैरियत से पहुंच गए थे बेटा? जी अम्मी, रात 2 बजे ही घर पहुंचे थे. सामान काफी था इसलिए एयरपोर्ट पे ही टाइम लग गया इंतजार करते. अच्छा अच्छा, वैसे अच्छा ही किया पाकिस्तान वापस आ गए. वैसे भी वहां कौन सी कमाइयां हो रही थी. तो ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? भाई लोग पाकिस्तान से बाहर जाते हैं कि वहां कमाएं और पाकिस्तान वालों को पैसे भेजें, इसलिए थोड़ा ही जाते हैं कि पाकिस्तान वाले उल्टा उन्हें पैसे भेजें. कि मिठा चाय क्यों रख दी? अंकल बहुत कड़वी है. बेटा तुम बैठो तो सही. नहीं बस चलते हैं. जावेद भाई से तो मिल ले. ठीक है, तुम मिल लो तो खुद आ जाना. हाँ हाँ, छोड़ आएगा जावेद इसे. बेटा कैसी बात की उसके साथ, वो बेचारा बेइज्जती महसूस करके गया है. जिन्हें इज्जत का एहसास ना हो ना, उन्हें बेइज्जती का भी एहसास नहीं होता. ना ससुराल से पैसे मांगते हुए याद नहीं रहा था कि इज्जत भी कोई चीज होती है. अंकल हमने कुछ गलत नहीं किया. अगर आपको लगता है कि मुझसे गलती हुई है तो मुझे माफ कर दीजिए. और यकीन रखें कि सुनैना मेरे घर बहुत खुश है. देखो बेटा, हमें और कुछ नहीं, हमें तो सिर्फ सुनैना की खुशी चाहिए. हम तुमसे ये नहीं कहते कि तुम अपनी पहली बीवी से कोई नाइंसाफी करो. हम तो बस ये चाहते हैं कि जो इज्जत और मकाम तुम उसे देते हो वही सुनैना को भी दो. आप बेफिक्र रहिए, मैं सुनैना और मायरा में कोई फर्क नहीं. थैंक यू. भाभी. हम्म. ठीक है ना? भला ये कोई पूछने वाली बात है? वो दोनों तो मुझे अपनी बेटियों की तरह चाहते हैं. और जावेद भाई, कभी आपको दुख तो नहीं पहुंचा है? ये कैसे सवाल? मैंने सुना दूसरों की बेटियों को खुश नहीं रखता, उनकी अपनी बेटियां खुश नहीं रखती. सरफराज पढ़े लिखे मगर उनका काम करने का दिल ही नहीं करता. वो इसी उम्मीद में रहते हैं कि जावेद भाई हमारी जरूरतें पूरी करेंगे. फिर सोफिया, उसकी शादी तो अमीर खानदान में हुई है, तो मुझसे भी ज्यादा दुखी क्यों नजर आती है? अगर हमारे घर वालों ने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया तो फिर मैं और सोफिया अपने घर में ना खुश क्यों हैं? फौजिया, बड़े हमेशा अच्छा सोचकर फैसले करते हैं, लेकिन नसीब तो सबका अपना अपना हो. काश माँ बाप बेटियों के नसीब भी खुद लिख सकते. मैं किसी और को इल्जाम नहीं देती और अम्मी अब को तो पता ही नहीं था. और आपके बाबा ने भी कुछ सोच समझ के मेरा रिश्ता सरफराज के साथ किया होगा.
अगर मुझे शिकायत हो जावेद भाई से, क्या होता अगर वो मेरी शादी सलीम से करवा देते तो? वो मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार थे। ऐसा नहीं सोचो, अल्लाह से दुआ किया करो, फिर तुम्हें उस सारी खुशियां सरफराज के साथ मिली जिनके ख्वाब तुमने सलीम के साथ। मेरे चार बेडरूम है, एक लाउंज है और छत भी पूरी मेरी है। कैसा लगा मेरा घर? भाई माशाल्लाह, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। जावेद कहाँ है? वो अपने पेरेंट्स के घर गए हैं। अल्फाज बदल लेने से सच्चाई नहीं बदला करती बेटा। तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि जावेद अपनी पहली बीवी से मिलने गया है। पापा आप खामखा फिक्रमंद हो रहे हैं, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और ज्यादातर यही होते हैं मेरे साथ। क्या करें बेटा, माँ बाप हैं तुम्हारे, हम फिक्र नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बहरहाल अल्लाह तुम्हें इससे भी ज्यादा खुश रखे बेटा। मैं चाय बना के लाती हूँ। आपको कैसा लगा? हाँ अच्छा है। फौजिया क्यों आई बैठी है यहाँ पर? तुम्हारी उससे बात नहीं हुई। कैसी बात? बहुत परेशान आई थी, कह रही थी सरफराज ने उससे कुछ और पैसों की डिमांड की है। फौजिया ने मना कर दिया तो अब वो उसको लेने नहीं आ रहा। ये सब तुम्हारे बाबा की वजह से हुआ है। हमें छोटा समझकर जानबूझकर ऐसी फैमिली में रिश्ता किया उन्होंने। मेरे बाबा को क्या पता था वो ऐसा निकलेगा जावेद? उनकी फैक्ट्री में मुलाजिम था, कैसे पता नहीं था उन्हें? और जानती हो सरफराज ने क्या कहा फौजिया से? हम तो समझते थे तुम्हारा भाई शहजाद नफीस जैसा रईस हो, मुझे सेट कर दे। तुम्हारे घर वालों ने ये मशहूर कर रखा है कि मुझे उन्होंने सेट किया। ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने किया ही क्या है हमारे लिए? आज जहेज तक तो लिया नहीं मैंने उनसे, सिवाय इस एक रिश्ते के और कोई एहसान नहीं है उनका मुझ पर। और ये रिश्ता भी ऐसा जिसका शुक्रिया नहीं शिकवा ही किया जा सकता। मेरे माँ बाप तुम्हारे पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करते करते थकते नहीं थे और अब मुझे ही कोसते हैं। इस दिन के लिए इतना रोक के रखा था उन्हें मैंने। तुम सरफराज को स्कूल में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो या फिर फौजिया को कोई जॉब दे दो ताकि वो अपना घर चला सके, ताकि बाद में फौजिया सारी उम्र सरफराज को ताने दे सके और रहा सहा घर भी टूट जाएगा। जब घर में पैसे औरतों की वजह से आते हैं तो घर बसते नहीं है, टूट जाते हैं। कुछ नहीं होता, हमारे बीच भी तो एक पार्टनरशिप थी। मैंने कभी कोई बात की? कैसी पार्टनरशिप? कहां की पार्टनरशिप? किस पार्टनरशिप की बात कर रही हो तुम? तुम करती क्या हो? आज तक कभी स्कूल गई हो तुम? अगर मैं या स्कूल आज इस मुकाम पर पहुंचे तो वो सिर्फ मेरे अकेले की मेहनत है। पार्टनरशिप,
السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ پلیز بیٹھے. آپ بھی بیٹھے, کھڑی کیوں ہوں گی؟ آپ کا آفس بہت اچھا ہے. تھینک یو. پہلے کی برانچ کے مقابلے میں تو کچھ زیادہ ہی اچھا ہے. جاوید آپ کی بہت تعریف کرتے ہیں کہ آپ اسکول کو بہت اچھی طرح چلا رہی ہیں, لیکن پھر بھی میں سن رہی ہوں کہ آج کل بزنس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. ایسے میں نے سوچا ایک بیوی ہی ایک شوہر کا ساتھ دے سکتی ہے. ویسے بھی اریبا بڑی ہو گئی ہے, اس کے ایڈمیشن کی عمر آ گئی ہے, تو اب میں اسکول واپس جوائن کر سکتی ہوں. تم اسکول کیا کرنے گئی تھی؟ تم ہی نے تو کہا تھا کہ میں کوئی کام نہیں کرتی, تو سوچا اسکول جوائن کر لوں. اب کیا فائدہ؟ جب تمہاری ضرورت تھی میں تم سے کہتا تھا کہ اسکول آؤ, تب تم نے گھر میں آرام کر کے سارا وقت گزار لیا. اب جب سب کچھ اسٹیبلش ہو چکا ہے تو اب کیا کرو گی جا کر؟ تم نے تو کہا تھا کہ اسکول کے حالات خراب ہیں, لیکن سنینا نے تو ایسا کچھ نہیں کہا, نہ ہی میں نے دیکھا. تم نے سنینا سے ذکر کیا اس بات کا؟ ہاں. کیا ضرورت تھی یہ بات کرنے کی؟ اپنے انویسٹر سے کون کہتا ہے کہ بزنس کے حالات خراب ہیں؟ اگر کل کو اس نے اپنے پیسے واپس لینے کی ڈیمانڈ کر دی تو کون رسپانسیبل ہوگا؟ بس فیصلہ ہو گیا, اب سے تم اسکول نہیں جاؤ گے, اور اگر جانا ہی ہے تو پرانی برانچ میں جاؤ. نئی برانچ میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں نہیں جاؤں؟ نئی برانچ بھی تو پرانی برانچ کے پیسوں سے ہی بنی ہے. جاوید پلیز مجھے مت رو, تم صحیح ہو یا میں, میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتی, لیکن اگر تم نے بات کی ہے تو مجھے میری ذمہ داری بھی ادا کرنے دو. میں بس یہ چاہتی ہوں کہ ہم دونوں کے بیچ جو بھی غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ ختم ہو جائے, اور ان کے لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار. پلیز سنینا جی, یہ گرلز کی نئی یونیفارم کس نے پروف کی ہے؟ میں نے. کیوں؟ ایک برانچ میں لڑکیاں ابایا پہنتی ہیں, دوسری میں اسکرٹس. ایک ہی اسکول کی دو برانچز میں اتنا فرق, کیا یہ ٹھیک بات ہے؟ اس میں غلط کیا ہے؟ کچھ بینکس ایسے ہوتے ہیں جن میں ایک برانچ پہ اسلامک بینکنگ لکھا ہوتا ہے اور دوسری برانچ میں سود کا کام چل رہا ہوتا ہے, مگر وہاں پہ مزاربہ اور مشارکہ ہوتا ہے. اب دونوں برانچز ایک ہی بینک کی ہوتی ہیں لیکن مختلف طریقوں سے چلتی ہیں. ہم بینک کی برانچ کی نہیں اسکول کی بات کر رہے ہیں. آپ نے یہ چینجز اپروو کرنے سے پہلے جاوید سے بات کی تھی؟ جاوید سر نے مجھے پوری اتھارٹی دے رکھی ہے, کچھ چینج کرنے کے لیے مجھے ان سے پوچھنا نہیں پڑا. مگر یہ یونیفارم چینج ہوگا, جو دوسری برانچ کی لڑکیاں پہنتی ہیں یہاں پہ بھی وہی پہنیں گی. آئی ایم سوری, اب ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب میں کہہ رہی ہوں تو. میں آپ کی بات کی قدر کرتی ہوں, لیکن اب اسکول کھلے 6 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے. اب ہم کوئی چینجز لائیں گے تو دوسرے اسکولز ہماری پالیسیز کا مذاق اڑائیں گے, ہماری ریپوٹیشن خراب ہوگی. ہماری ریپوٹیشن جتنی خراب ہونی تھی ہو چکی, لوگ آلریڈی باتیں کر رہے ہیں, ڈبل اسٹینڈرڈس کی باتیں کر رہے ہیں. سو پلیز ڈو ایز آئی سے. آئی ایم سوری بٹ آئی کانٹ. بہتر ہوگا آپ جاوید سر سے بات کریں. ہوتی کون ہو برانچ کی چیزیں ڈیسائیڈ کرنے والی؟ اگر میں کچھ نہیں ہوں تو سنینا کون ہے؟ وہ میری بزنس پارٹنر ہے. تم شاید بھول رہے ہو کہ میں بھی تمہاری پارٹنر ہوں. ان فیکٹ تمہیں کانٹریکٹ واپس دیکھنے کی ضرورت ہے. 70% فیوژن سکولز کی مالک میں ہوں, اور اگر سنینا نے انویسٹمنٹ کی ہے تو میری بھی انویسٹمنٹ ہے. تو ٹھیک ہے,
मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस कर देता हूँ। पार्टनरशिप खत्म। आइंदा तुम स्कूल नहीं जाओगी। बीवी हो, बीवी बनकर घर बैठो। जावेद बहुत बदल गया है, बड़ा आदमी बन गया है। तो तुम्हें उसके बड़ा आदमी बनने पे एतराज है? नहीं, मुझे क्यों एतराज होगा? मुझे तो उसके अंदाज पे एतराज है। दौलत आने के बाद मैंने बड़े बड़े लोगों को बदलते देखा है। रिश्तों को भूल जाते हैं, अल्लाह ना करे, लेकिन मुझे डर है कि कहीं हमारा जावेद भी ऐसा ना हो। नहीं नहीं, हमारा जावेद ऐसा नहीं है। वो कुछ परेशानियों में है, इसलिए जरा उलझा रहता है। उसकी बुराइयां करने की बजाय हमें चाहिए कि उसकी परेशानियों का हल ढूंढे। मैं उसका बाप हूँ, मैं उसकी बुराई क्यों करूंगा? मुझे तो बस एक बात का अफसोस है। किस बात का? वो हमारी मरहूमा चची फरीदा, उनकी बेटी है ना, जो बेवा हो गई है। कौन? जरीना? हाँ, पिछले 3 साल से जावेद उसे जकात के पैसे भेजा करता था मेरे कहने पे। बहुत दुआएं देती थी, बहुत बहुत दुआएं देती थी वो। फिर इस बार जावेद ने मना कर दिया। अच्छा, तो तुम बात करो ना जावेद से। मैं उससे क्या बात करूं? मुझमें इतनी हिम्मत है कि मैं उससे बात करूं? उल्टा कोई जवाब दे दे तो क्या इज्जत रह जाए मेरी? अब ऐसा भी नहीं है, तुम तो बिल्कुल ही दिल हार के बैठ गए। बेटा है वो हमारा, क्यों करेगा ऐसा? परेशान ना, मैं खुद बात करूंगी उससे। ना हो परेशान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाह, लगता है आज कोई स्पेशल डे है। हाँ, बहुत ही स्पेशल है, लेकिन गेस करना होगा। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है आज तुम्हारा बर्थडे नहीं है, हमारी एनिवर्सरी भी नहीं है, फिर क्या बात? आज मुझे खुशखबरी मिली है। मैं क्लिनिक गई थी डॉक्टर के पास, गायनेकोलॉजिस्ट से मिले। यू मीन? यस। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपको पता है मैं इतनी खुश हूं कि ऐसी फीलिंग मैंने जिंदगी में कभी फील नहीं की। मैं समझ सकता हूं, लेकिन जावेद अब ऐसे तो नहीं रह सकते। स्कूल में आते जाते लोग शक की नजर से देखेंगे। आपके साथ इतना ज्यादा आना जाना लोगों को खटकने लगा। जब हमारा कानूनी और शरई तौर पे रिश्ता है तो लोगों से क्यों छुपाएं?
आप घर पे कब बात करेंगे? इतना अच्छा लग रहा है, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम मुझे डिनर पर लेकर आए हो। पिछले दिनों मुझे इतना खराब किया था। मियां बीवी में छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं, इसका ये मतलब तो नहीं कि मोहब्बत खत्म हो गई। अच्छा जी, और उस दिन जब मैंने यही बात की थी तो आपने क्या कहा था? हम रोमियो जूलियट नहीं है, उम्र वो नहीं रही। अच्छा बस, अब उस वक्त की बातें याद करके इस खूबसूरत शाम को खराब नहीं करो। तुम ठीक है, आज बहुत दिनों के बाद तुम मुझे वही जावेद लग रहे हो जो यूनिवर्सिटी में मेरे साथ, जो सिर्फ अपनी प्रेजेंस से मेरा हर पल कीमती कर देता, जिसको मैं जब बुलाऊं बारिश में भी चला आता। आज भी आ सकता हूं, मुलाकात तो देखो। अब डर लगता है कहीं तुम्हारा मूड खराब हो गया तो। अच्छा प्लीज, बहुत शर्मिंदा मत करो। पता है मैं भी यूनिवर्सिटी के वक्त को बहुत याद करता हूँ, जब तुम मेरी हर पसंद नापसंद जानते, मुझे क्या अच्छा लगता था, मैं क्या करना चाहता था, मेरे लिए हर वक्त कुछ ना कुछ करने को तैयार रहते थे। मेरी जरूरतों का पूरा ख्याल रखते थे। मेरी हैसियत नहीं थी कि मैं तुम्हें गिफ्ट्स दे सकता, लेकिन तुमने हमेशा मुझे गिफ्ट्स दिए। उन गिफ्ट से लेकर स्कूल की इन्वेस्टमेंट तुम सब ना करती तो। प्लीज मुझे शर्मिंदा ना कर, छोड़ो। अगर आज तुमसे कुछ मांगू तो मना तो नहीं कर? तुम कुछ मांगो और मैं इनकार कर दूं? नेवर। तो फिर मुझे दूसरी शादी करने की इजाजत दे। मजाक कर रहे हो? नहीं, जानता हूं इस किस्म का मजाक नहीं करना चाहिए। मैं बहुत संजीदा, सच में दूसरी शादी करना चाहिए। किससे? सुनैना से। मुझे घर जाना है। मेरी बात अभी खत्म, बैठो। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। मेरी बात सुनो। मैंने कहा ना, मैं कोई बात नहीं सुनना चाहती। जो तुमसे पूछा है तुमने उसका जवाब नहीं दिया मुझे। तुम सिर्फ मुझे इसलिए डिनर पर लेकर गए? मैं खुश हो रही थी कि तुम्हें शायद अपने रवैये पे पछताना, हमारे रिश्ते का नया आगाज करना चाहिए, लेकिन तुमने तो सब खत्म कर दिया। मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। बस जाओ,
देख लिया कितनी मोहब्बत करते हो तुम। जब से वो तुम्हारी जिंदगी में आई तुमसे प्यार के दो बोल तो क्या, एक तरह बात करना भी गवारा नहीं। तुम किसी गलत फहमी का शिकार, मुझे लगा था आज हमारे बीच गलत फहमी दूर हो जाएगी। तुम्हारे साथ गुजारे हुए चंद लम्हों में मैं भूल गई थी कि तुम पिछले महीनों में कितने रूढ़ हो। तुम मुझे वहां अपनी बीवी तस्लीम करने नहीं बल्कि एक नई बीवी को लाने की इजाजत मांगने दी। तुम्हारी बात में आती और शायद अभी भी हूं, इसलिए तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारी ये बात भी मान लूं। इतना जज्बाती होने की क्या जरूरत है, तुमसे कुछ मांगा है मैंने नहीं दे सकती तो इट्स ओके। काश तुम मेरी रोज बेइज्जती करती, वो ना कहते जो तुमने आज कहा। घर वालों को बता दूं फिर हनीमून पर चलेंगे लंदन पेरिस स्विट्जरलैंड। मैं तो ये सारी जगहें पहले ही देख चुकी हूँ, अब मेरे साथ देखोगी तो सब जगह नहीं लगेंगी। दिखा दी ना अपनी असलियत। क्या हुआ, बोली मत बनो, अपनी मोहब्बत का ड्रामा रचाने के लिए मेरा ही शोर मिला था तुम्हें। देखिए प्लीज आहिस्ता बोलिए, ये स्कूल है, लोग सुन रहे हैं। क्यों, स्कूल में तो बहुत आजादी है ना, जब प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का अफेयर चल सकता है तो मेरे बोलने से क्या होता है। इसी मकसद के लिए स्कूल ज्वाइन किया था ना तुमने, बताओ कितना पैसा इन्वेस्ट किया है तुमने। मैं वापस करूंगी, उससे ज्यादा दूंगी तो मैं जावेद का पीछा छोड़ दो। देखिए ये बात मैं आपसे भी कर सकती हूँ लेकिन मैं नहीं कहूंगी। कैसे कह सकती हो, होती कौन हो तुम? मैं जावेद की बीवी हूँ, तुम क्या हो, एक बिजनेस पार्टनर? मैं पार्टनर नहीं हूँ सिर्फ, मैं लाइफ पार्टनर। क्या बक रही हो? मैं सच कह रही हूँ, मैंने और जावेद ने शादी कर ली है। झूठ बोल रही हो तुम, जावेद ने मुझसे शादी की इजाजत ली है और मैं उसको कभी इजाजत नहीं दूंगी। ऐसा आप सोचती हैं लेकिन शायद जावेद को आपकी इजाजत की जरूरत नहीं है। देखिए मुझे इस बात का अफसोस है कि मेरी इस बात से आपको दुख पहुंचा है, मेरा हरगिज मकसद ये नहीं था कि मैं जावेद को आपसे छीन लूं। मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि आपके साथ कोई नाइंसाफी हो या जावेद को आपसे मिलने से रोकूंगी। तुम होती कौन हो जावेद और मेरे बीच में तालमेल डिसाइड करने वाली? जावेद के नजदीक मेरी अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकती हैं कि आप खुद चल के मेरे पास आई हैं, मैं नहीं। वो मुझसे मोहब्बत करते हैं, उन्होंने वो घर भी मेरे नाम कर दिया है जो आपके लिए बनाया। क्या हुआ, आर यू ओके? सारी दुनिया के रंजो देखकर, ओ सारी दुनिया के रंजो देखकर मुस्कुराने की बात भाई। जल्दी से गेम खत्म कर लें, बाबा का प्रोग्राम आने वाला है ना, वो भी तो देखना है। दादो प्रोग्राम नहीं लेक्चर। हाँ वही वही, एक दो तीन चार पांच, ये पांच लो। बेटा जल्दी आ गई आज।
मैं देखती हूँ। मायरा बेटा क्या हुआ? मायरा दरवाजा खोलो बेटा। सारी दुनिया के रंजो किसी से बात नहीं कर सकती। लेकिन बेटा हुआ क्या, कुछ बताओ तो। कुछ नहीं अम्मी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी देर आराम कर लूं तो फिर आती। अच्छा ठीक है बेटा। दरवाजा बंद कर लिया है, मुझे भी अंदर नहीं आने दिया। पूछना था ना, कुछ बता ही नहीं रही, बस कह दिया तबीयत ठीक नहीं। अच्छा, ओ हो, सर में दर्द होगा, थोड़ी देर आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। मुझे मामा के पास जाना है। अभी वो मामा की तबीयत ठीक नहीं है, फिर चलते हैं, ठीक है? अभी बाबा का प्रोग्राम आएगा ना, वो देखते हैं ना चल के। प्रोग्राम नहीं, लेक्चर। कॉन्फिडेंस जिंदगी में कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस जब तक आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप आगे नहीं बढ़ते। जितना भी पढ़ लें, चाहे कितना भी नॉलेज हासिल करें, ड्यूरिंग एन इंटरव्यू, एक इंटरव्यूअर आपको सबसे ज्यादा मार्क्स आपके कॉन्फिडेंस के देता है। अगर आप एक टीचर बनते हैं, तो जब तक आपकी आवाज में, आपके अंदाज में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस नजर नहीं आएगा, आपके स्टूडेंट्स यही समझेंगे कि क्या रेवड़ियां बेच रहे हैं। सर एक कॉन्फिडेंस दूसरों को भी होता है आपके ऊपर, करियर बिल्डिंग में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? बहुत ज्यादा। इनफैक्ट इस पर आपकी पूरी शख्सियत खड़ी होती है। अगर आपने कभी किसी का कॉन्फिडेंस तोड़ा, तो आपकी शख्सियत धड़ाम से नीचे आ गिरेगी, क्योंकि एतमाद और भरोसा तोड़ने को ही धोखा कहते हैं। आप जहां जाएंगे, आपका धोखा आपसे पहले वहां पहुंचेगा। हर शख्स 100 बार सोचेगा आपके साथ कोई भी डील करने से पहले।
इसलिए खुद पर भरोसा रखें और कभी किसी का भरोसा ना तोड़ें। इसी में आपकी कामयाबी। देखो मेरा दामाद कितना लायक है। जी मामा, बहुत अच्छी बातें करते हैं जावेद भाई। अरे सिर्फ बातें ही नहीं करता, माशाल्लाह से बहुत तरक्की की है इसने। और मजाले के कभी कोई गैर कानूनी तौर से करने का सोचा भी हो? अब तो मैं भी टाइम निकाल कर जावेद भाई का लेक्चर सुना करूंगी। सिर्फ खुद नहीं सुनना, एहसन को भी सुनवाना। मेरे पास तो उसके लेक्चर्स की तमाम डीवीडीज मौजूद है, अगर चाहिए तो मुझसे ले लेना। जी मामा। जो भी, तुम उसे शादी के बारे में नहीं बताना चाहिए, मैं उसे अपने तरीके से बता दूं। शी वाज शाउटिंग जावेद, वो भी स्कूल में। अगर टीचर्स और स्टूडेंट्स सुन लेते तो मेरी क्या पोजीशन रह जाती उनके सामने। बाकी सब चीजें तो आएंगी, हो जाएंगी, मगर उसकी कंडीशन तुम समझ सकते हो। मैं भी इसी पोजीशन से गुजर रही हूँ। ठीक है, बस मैं ये चाहता था कि सब कुछ अच्छे तरीके से हो जाए। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हो सकता है हमारी शादी के बारे में लोगों को उसी तरह से पता चल रहा हो। सकता आप मुझे ड्रॉप कर दें और उधर चले जाएं। मायरा को इस वक्त आपकी जरूरत है। कितना एहसास है तुम्हें उसका, और वो कितनी खुद है उसका।